हेलो दोस्तों, आज हम फिर से आगे टिकटॉक के एक वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर, जैसा कि वीडियो देख सकते हैं, तड़प कर आएगी वो मुझे मिल जाएगी, ये सॉन्ग है। इस सॉन्ग पे इस तरह के वीडियो अपलोड किया गया है जो ट्रांजेक्शन इफेक्ट और स्लो मोशन वीडियो है। तो आप भी इस तरह के ट्रांजेक्शन इफेक्ट और स्लो मोशन वीडियो कैसे बना सकते हैं, तो यहाँ पे आपको इस तरह के वीडियो बनाने के लिए 2 से 3 वीडियो शूट करना है, 4 से 5 सेकेंड तक का वीडियो। जब भी शूट करेंगे तो आपके बैकग्राउंड में पेड़ पौधा ज़्यादा होना चाहिए, तभी आप इस तरह के प्रोफेशनल वीडियो एडिट कर सकते हैं। इसके बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन में काइन मास्टर एप्लीकेशन और एक ग्रीन स्क्रीन वीडियो का लिंक दे चुका हूँ, दोनों को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पर और वहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ इस वीडियो को किस प्रकार आप एडिट कर सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए, मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो के डिस्क्रिप्शन से काइनमास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद प्लस का आइकन पर क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है, मीडिया पे आना है और आपने जो वीडियो शूट कर रखे अलग अलग पार्ट में उस वीडियो को अगेन सेलेक्ट करना है। तो मैंने वीडियो को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद वीडियो में जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट को आपको रिमूव कर देना है। वीडियो क्लिप पर क्लिक करेंगे, कैचिंग निशान पर क्लिक करेंगे, लेफ्ट साइड का पार्ट यदि एक्स्ट्रा है तो टीम टू लेफ्ट करेंगे, राइट साइड का पार्ट एक्स्ट्रा है तो टीम टू राइट करेंगे। इस तरह से वीडियो में जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव कर देना है। इसके बाद वीडियो क्लिप पर क्लिक करेंगे, स्पीड कंट्रोल पे आना है और यहाँ पे आपको 0.5 कर देना है। इसके बाद डन करते हैं, शेयर पे क्लिक करेंगे, 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। तो आपको फर्स्ट काम ये करना है कि जितने भी वीडियो आपने शूट कर रखे हैं सारे वीडियो को आपको स्लो मोशन में कर लेना है। इसके बाद इसे हम बैक करते हैं। बैक करने के बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है, मीडिया पे आना है, बैकग्राउंड पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते थे, यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लेना हो, इसी को 10 से 15 सेकेंड तक कर देना है। लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक ग्रीन स्क्रीन वीडियो का लिंक दे चुका हूँ, सिंपल आपको सेलेक्ट करना है, स्क्रीन पे क्लिक करना है, फुल स्क्रीन में कर देना है। वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, लास्ट पॉइंट पे आना है और एक्स्ट्रा पार्ट को टीम टू राइट कर देना है। वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, सॉरी सेटिंग पे क्लिक करेंगे, आई डू फेड आउट को ऑफ कर देना, इससे क्या होगा लास्ट का साउंड जो तो हमारा स्लो हो जाता है वो स्लो नहीं होगा। इसके बाद ग्रीन स्क्रीन वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है क्रोमा की का, सिंपल आपको इनेबल कर देना है। कलर की पे आना है, ग्रीन कलर सेलेक्ट कर देना है, इसे आपको कुछ इस तरह से एडजस्ट कर देना है। इसके बाद वीडियो को अगेन प्ले करेंगे तो आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। जैसे ही आपको ब्लैक कलर स्टार्ट हो रहा है तो आपको 3.4 या 3.3 के आसपास आना है, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है और आपने जो वीडियो शूट कर रखे उस वीडियो को अगेन सेलेक्ट कर लेना है। जो मैंने जिस वीडियो को मैंने स्लो मोशन में किया था उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आपको देखना है वीडियो कहाँ तक रखना है, जहाँ तक आपको ब्लैक कलर दिख रहा है वहीं तक का पार्ट चाहिए। इसके बाद एक्स्ट्रा पार्ट को टीम टू राइट करते हैं, वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले ओरिजिनल साउंड को म्यूट करेंगे, वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, स्क्रीन पे क्लिक करेंगे, फुल स्क्रीन में कर देना है, वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, सेंड टू बैक करेंगे। जब हमारा वीडियो प्ले होगा तो हमारा वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद लास्ट पोजिशन में आना है, फिर से देख सकते हैं यहाँ पर ब्लैक कलर स्टार्ट हो जाता है, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है और हमने जो सेकेंड वीडियो शूट कर रखे उस वीडियो को अगेन सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे सेकेंड वीडियो को सेलेक्ट करता हूँ, स्क्रीन पे क्लिक करेंगे, फुल स्क्रीन में कर देना है, वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, इसके बाद लास्ट पॉइंट पे आना है, एक्स्ट्रा पार्ट को टीम टू राइट करेंगे, वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, ओरिजिनल साउंड को म्यूट कर देना है, इसके बाद 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, सेंड टू बैक कर देना है। जब हम फाइनली वीडियो को प्ले करेंगे तो हमारा वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे जो काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। इसके बाद शेयर पे क्लिक करना है, HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने एक साउंड लिंक दे चुका हूँ, उसी वीडियो के साउंड पे वीडियो को अपलोड कर देना है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, साथ ही साथ टेक्निकल शैलेंद्र चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यदि आपको किसी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पर वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।